रेलवे ने उन 200 ट्रेनों की सूची जारी की है जिनकी सेवाएं 1 जून से शुरू होंगी। इनमें दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी, प्रयागराज और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी लोकप्रिय ट्रेनें भी शामिल हैं। इन ट्रेनों में एसी और नॉन एसी दोनों तरह के कोच होंगे। बिना आरक्षण के इन ट्रेनों में सफर की अनुमति नहीं होगी। 1 जून से चलने वाली इन 200 ट्रेनों के लिए आज यानी 21 मई सुबह 10 बजे से बुकिंग शुरू हो गई है। रेलवे ने केवल ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुक करने की अनुमति दी है। 1 जून से चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि अधिकतम 30 दिन की होगी। इन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट टिकट भी मिल सकते हैं, लेकिन तत्काल या प्रीमियम तत्काल जैसी व्यवस्था नहीं होगी। इन ट्रेनों में टिकट बुक करने के लिए सामान्य बुकिंग के नियम ही लागू होंगे। हम आपको स्टेप वाइज पूरा प्रोसेस बताने जा रहे हैं। सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट खोलें और अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। इसके बाद बुक योर टिकट पेज पर जाएं और डिटेल्स भरें। इसके बाद फाइंड ट्रेन्स पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर ट्रेनों की लिस्ट खुल जाएगी, जिन पर क्लिक करके टाइमिंग और किराए की जानकारी ले सकते हैं। अब अपनी ट्रेन चुनें और बुक नाउ पर क्लिक करें। एक पेज खुलेगा जहां आपको यात्रा का पूरा विवरण देना है। विवरण भरने के बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। अपना पेमेंट गेटवे चुनें। भुगतान करने के बाद एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा। बधाई हो, आपका टिकट बुक हो गया है। 1 मई से रेलवे ने 1565 प्रवासी श्रमिक ट्रेनों का परिचालन किया है और 20 लाख से अधिक प्रवासियों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश ने जहां 837 ट्रेनों को मंजूरी दी है, वहीं बिहार ने 428 और मध्य प्रदेश ने 100 से अधिक ट्रेनों को मंजूरी प्रदान की है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सोमवार शाम तक छत्तीसगढ़ में केवल 19, राजस्थान ने 33 और झारखंड ने केवल 72 ट्रेन चलाने की अनुमति दी है। अधिकारियों के अनुसार रेलवे के पास लगभग 300 ट्रेन रोजाना चलाने की क्षमता है, लेकिन वह इसकी आधी संख्या में ही ट्रेनों का परिचालन कर पा रहा है, क्योंकि गंतव्य राज्य पर्याप्त संख्या में अनुमति नहीं भेज रहे। उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्य प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने को तैयार हैं, लेकिन कई गंतव्य राज्य मंजूरी नहीं दे रहे हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में प्रवासी मजदूरों की यात्रा को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद के बाद रेलवे ने कहा कि ऐसी ट्रेनों के परिचालन के लिए गंतव्य राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाने के लिए इन ट्रेनों को चलाने के वास्ते रेलवे के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है, जिसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय से चर्चा के बाद रेल मंत्रालय श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की मंजूरी देगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।